ये तो आप जानते ही होंगे कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और गर्म स्टार है। मगर क्या आपको ये पता था कि सूरज आखिर किस चीज़ से बना है? वो जानने के लिए तो आपको वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि सूरज किसी सॉलिड या हार्ड चीज़ से नहीं बना है, बल्कि वो एक गैस से बना है। और क्या आपको ये पता था कि स्पेस में कोई कितना भी ज़ोर से चिल्ला ले पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी? मगर वो क्यों, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सो मैं हूँ डीवी फैक्टिफायर और आज मैं आप सबको स्पेस के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आप चौंक जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फैक्ट नंबर 10, अर्थ इन जुपिटर। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है उसके अंदर कितने सारे अर्थ फिट हो जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी कैलकुलेशन की मदद से निकाला है और वो है 1300 अर्थ। जी हाँ, जुपिटर इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1300 अर्थ फिट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 9, क्राइंग इन स्पेस। अगर कोई भी स्पेस में रोता है तो अर्थ पे जैसे आंसू नीचे गिर जाते हैं, वैसे स्पेस में आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि जो रो रहा है उसके मुंह पर चिपक जाते हैं। सुनने में काफी अजीब है पर सच है, और मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा क्लेटन सी एंड्रेसन, जो कि नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैं, खुद प्रैक्टिकली स्पेस में यह ट्राई करके प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोई स्पेस में रोता है तो वो आंसू उसके मुंह पे ही चिपक जाते हैं, और आप उन्हें इस फोटो में रोते हुए भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, वीनस का टेम्परेचर। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट वीनस है, एज वो सन के काफ़ी करीब है। मगर फैक्ट ये नहीं है कि वो सबसे गर्म है, पर फैक्ट ये है कि उसका टेम्परेचर है 864 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 462 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो 38 डिग्री सेल्सियस में ही हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ तो इससे 100 गुना ज़्यादा टेम्परेचर है। फैक्ट नंबर 7, ब्राइटेस्ट सिटी फ्रॉम स्पेस। अगर कोई रात को अर्थ को स्पेस से देखता है तो उसे जो सबसे ब्राइटेस्ट ग्लोइंग यानी कि सबसे चमकीली सिटी दिखाई पड़ेगी वो होगी लास वेगस, क्योंकि लास वेगस स्पेस से रात को इतनी चमकीली दिखाई पड़ती है कि उसे द ब्राइटेस्ट सिटी फ्रॉम स्पेस एट नाइट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, नो साउंड इन स्पेस। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्पेस में कोई कितना भी जोर से चिल्ला ले उसकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, मगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सॉलिड, पानी जो कि लिक्विड है, या फिर एयर। लेकिन स्पेस में तो एयर होती ही नहीं है, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है और वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ एयर बिल्कुल भी नहीं होती, इसीलिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कोई कितना भी जोर से स्पेस में चिल्ला ले उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मैंने अब तक जितने भी फैक्ट्स बताए हैं उनमें से कितने फैक्ट्स ने आपको चौंका दिया और कितने आपको पहले से ही पता थे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट पे, जो कि है फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5, सैटर्न ऑन स्विमिंग पूल। ये वाला फैक्ट थोड़ा फनी लग सकता है। सैटर्न जो कि एक गैसियस जाइंट प्लैनेट है, उसकी डेंसिटी इतनी कम है कि उस पे अगर कोई भी लैंड करेगा तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, और अगर सैटर्न को एक उसकी ही साइज के स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए तो वो उस पे तैरने लगेगा, जैसे कि कोई अगर किसी हल्के से बॉल को पानी में डाल देता है। ठीक उसी तरह सैटर्न भी एक हल्का सा बॉल है जिस पे वो अगर पानी में डालेंगे तो फिर वो तैरने लगेगा, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है। फैक्ट नंबर 4, गार्बेज इन स्पेस। हम इंसान इतने बुरे होते जा रहे हैं कि हमने स्पेस में भी 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ गार्बेज पीसेस फैला रखे हैं, और वह अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून की ही तरह अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इतना सारा कचरा आखिर स्पेस में आया कहाँ से? दरअसल जब हम अर्थ से स्पेस में कुछ भी लॉन्च करते हैं तो अगर उस चीज़ का कोई पार्ट टूट जाता है या फिर कोई भी गार्बेज उस चीज़ से निकल जाता है तो फिर वो गार्बेज स्पेस में ही तैरता रहता है,
और फिर जब वह अर्थ के थोड़ा भी करीब आ जाता है तो अर्थ का एक स्पेशल फोर्स होता है जिसकी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो उसी फोर्स की वजह से वो गार्बेज भी अर्थ के चारों तरफ घूमने लगता है। फैक्ट नंबर 3, प्लूटो रिवोल्यूशन। प्लूटो जो कि अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं रहा, उसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मतलब सन का एक पूरा चक्कर लगाने में टोटल 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि प्लूटो का एक साल अर्थ के 248 साल के बराबर है, और प्लूटो की खोज साल 1930 में हुई थी और अब चल रहा है साल 2021, यानी कि इस प्लैनेट ने अपनी खोज से लेकर अब तक सिर्फ 36% ही ट्रैवल किया है अपने टोटल रिवोल्यूशन का। फैक्ट नंबर 2, नासा सूट प्राइस। क्या आपने कभी सोचा है कि नासा के स्पेस सूट की टोटल रियल प्राइस कितनी है? असल में नासा के एक सूट की प्राइस $12 मिलियन यानी कि 88 करोड़ रुपीस है, जबकि नासा के सूट में जो मटेरियल्स हैं वो 1974 के हैं, क्योंकि उनके सूट उसी साल में बनाए गए थे। लेकिन अगर उनके सूट्स में पार्ट्स जो लगे हैं उन्हें आज के ज़माने के पार्ट से रिप्लेस किया जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, मेकिंग ऑफ सन। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सन किसी सॉलिड या हार्ड मटेरियल से नहीं बना है जस्ट लाइक अर्थ, मगर वो मोस्टली एक गैस से बना है जो कि है हाइड्रोजन, और जो सन में 90% प्रेजेंट है, और बाकी का जो 10% है वो सिर्फ और सिर्फ हीलियम गैस है। तो हमारा ये जो सन है वो सिर्फ दो गैसेस से बना है जो कि है हाइड्रोजन जो है 90% और हीलियम जो कि है 10% सन में। सो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपको ये वीडियो कैसी लगी यह बताना हो तो आप ही के लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, और अगर आप अपने दोस्तों को भी कुछ नया बताना या सिखाना चाहते हैं और उन्हें भी चौंकाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड गेट इन्फॉर्मेटेड डेली। जय हिंद।